हेलो फ्रेंड, लव फिल्म ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ प्रिंस, मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ और मेरा जो वर्क है काम करने का कैमरामैन का, उसका नाम है द वेडिंग नेटवर्क के एक दूसरे से फैलाना नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं डांसर सनातन भाई के बारे में कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं हमसे कि तुम डांसर सनातन को कैसे जानते हो, कैसे जानते हो, कैसे जानते हो। तो कि बहुत पुराना ये कहानी है कि बहुत पुराना कहानी है जो कि मेरा बलियापुर में घर था, जो कि बहुत दिन हम लोग वहाँ पे रहे हैं। जो 10 साल था, मतलब 10 एज मेरा 10 साल तक था, एज जब हो रहा था तो मेरा पापा वहाँ पे रहते थे, हम रहते थे, मेरी मम्मी लोग रहती थी, और जो कि डांसर सनातन का घर बगल में था, जो कि हम लोग दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे। सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की हम लोग, और आप थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड, जो कि मेरे पापा भी खेती बाड़ी करते थे, उसके भी पापा खेती बाड़ी करते थे, जो कि डांसर सनातन के बहन चार हैं, जो कि उनके पापा तीन बहन का शादी करवा दिए थे, एक बहन थी जो कि डांसर सनातन भाई शादी करवाएं, जो कि काफ़ी अच्छा जगह पर शादी करवाएं, जो कि मुंबई में रहने वाले हैं उनके जिया जी, जो कि बात विचार में भी अच्छा दिखने में और बहुत शांति स्वभाव का है, जो कि वो बहुत गरीब था पहले, उनका पास खाने के लिए नहीं होता था और बहुत गरीब थे वो, और अभी काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी नाम कमा चुके हैं, और उनका बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो उनको जानते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, और उनका जी न्यूज आज तक अपना चैनल में न्यूज चलाएँ डांसर सनातन भाई का। मैं कहना चाहता हूँ कि एक गरीब है जो कि गरीब का सपोर्ट करना चाहिए हर लोग को, और बहुत सारे लोग जो गरीब को अब ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, हम देख रहा हूँ मैं, और ऐसा ही रहना चाहिए। और डांसर सनातन भाई बहुत गरीब थे, जब उनकी मम्मी एक्सपायर की थी, जो कि कोई यूट्यूबर उसमें उनके पास नहीं पहुँचा था, जो कि मैं ही था, जो कि मैं पहुंचा था, मुझे पता चला था तो मैं पहुंच गया था, उनसे मिला उला, और वो बोले भी कि अभी तक मेरे से कोई वेट करने के लिए नहीं आया, तो मुझे जस्ट बहुत ख़राब लगा था। ये आपका तीन चार साल के पहले का बात बता रहे, जब मम्मी उनकी इंस्पायर की थी, जो कि हम मेरा एक दोस्त था जो साथ में गए थे मिलने के लिए और पूछे थे, और जिस दिन ब्रह्मा था, जिसके ब्रह्म भोज बोलते हैं, उस दिन भी गए थे हम, और जब उनका टिकटॉक में 1 मिलियन हुआ था, उस समय भी मैं उनका क्या इंटरव्यू लिया था, क्योंकि मेरा हाथ टूटा हुआ होगा देख रहे हैं आप थंबनेल में, हाथ टूटा हुआ मैं इंटरव्यू उनको लेने गया था, मैं और इंटरव्यू लिया था, जो कि उस समय उनका यूट्यूब चैनल सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर थे, और जो कि उस समय मेरा 10,000 सब्सक्राइबर था, जो कि मेरा एक चैनल था लव फिल्म था, जो कि लव स्टोरी वीडियो बना के डालते थे, अरे इस चैनल का मेरा नाम है लव फिल्म ब्लॉग, उसी का कंटेंट पे, उसी का टाइटल पे नाम रखे थे हम कि दोनों चैनल रहेगा मेरा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फेक स्ट्राइक मार के मेरे चैनल को डिलीट करा दिया गया हैकर के द्वारा। जस्ट उससे कॉन्टैक्ट भी किए हैकर से, लेकिन पैसा का डिमांडेड करने लगा, तो मेरे पास उतना पैसा है नहीं, मैं एक गरीब फैमिली में से हूँ तो उतना पैसा कहाँ से लाऊँगा, मुझे पता नहीं था, मुझसे 20,000 रुपया मांग रहा था, तो मैं कहाँ से लाऊँ, तो बहुत जगह पे मनोज दे पास भी गया, लेकिन मनोज दे पास गया, कांटेक्ट करने का कोशिश किया मनोज दे से, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। डांसर सनातन भाई से भी कांटेक्ट किया, तो डांसर सनातन भाई मनोज दे को फ़ोन लगाए थे और बोले कि ऐसा सा बात है, स्टैक आया है, क्या हो सकता वापस, तो एक वीडियो भेज दिए कि इसको देख के हटा लो, मेल कर लो यूट्यूब को, उसके बाद तुम हटता तो ठीक है, हम नहीं हटेगा तो नहीं आ पाएगा चैनल, ऐसा ऐसा बोले। जस्ट डांसर सनातन भाई बहुत गरीब फैमिली में से थे, जब हम लोग साथ में रहते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय वो 8 में थे, 8-7 में, तो उसी समय बहुत दिन के बाद आपको बात बता रहे, जब हम फाइव सिक्स में थे, तो उस समय हम भी उसी समय मतलब उनसे हल्का जूनियर थे, वो हमसे सीनियर थे, जो कि साथ में ही स्कूल जाते थे हम लोग दोनों साथ में, काफ़ी अच्छा लगता था, और गरीब फैमिली में से थे हम लोग दोनों, मेरा भी खपड़ा का घर था वहाँ पे, और हम लोग मिट्टी का घर आपको मिलता,
अभी भी मेरा घर था, लेकिन मेरे पापा वहाँ से बेच के धनबाद में घर ले लिए बैंक मोड़ में। उस समय मतलब मेरे पापा काम गैरेज का काम करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे गैरेज का। उसके बाद मेरे पापा गैरेज खोले, उसके बाद अच्छा खासा गैरेज चलने लगा। उसके बाद धनबाद में ही ज़मीन लेके रहने लगे। फ्रेंड आप लोग पता चल गया हो कि कैसे है डांसर सनातन से दोस्ती और सावित्री दी से। सावित्री दी भी मेरी बहन का फ्रेंड थी, मेरी बहन जो ही है जुगोनी का फ्रेंड थी, जो कि काफ़ी दिन तक हम लोग रहते थे। और उस समय तो यूट्यूब था नहीं, जो कि बहुत सारे बारे में नॉलेज था नहीं। हम लोग खेलते कूदते थे, बैट बॉल हो गया आपका, गुल्ली डंडा, तो यही सब खेल कूद में रहते थे। और उनको डांसर सनातन भाई को बचपन से ही शौक़ था कि डांस करें हम, और हम लोग को कभी डांस कर मतलब बचपन से भी, जब भी स्कूल में फंक्शन 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो वो हर मतलब रिहर्सल और करने के बाद वो डांस करते थे, काफ़ी अच्छा करते थे डांस स्कूल में भी। ये उनका स्टोरी है स्ट्रगल करने का। उनके मम्मी लोग भी काफ़ी स्ट्रगल किए, गरीब फैमिली में से थे, जो कि उनके पास उतना पैसा रहता नहीं था। एक घर था जो कि आप देखते होंगे मट्टी का घर के पास बनाते हैं वो वीडियो, और दूसरा घर था उनका छत्ता वाला, जो उन्हीं में वो गुजारा करते थे। और उनके घर में देखें गाय भी रहता था, जो खेती करते थे, कोड़ने का मट्टी काम करते थे वो, जो कि वो कोड़ते थे। उनके पापा पापा का साथ में हेल्प करते थे कि दो पैसा कमा लें, खेती उती करके घर चलाते थे वो, उनके पापा भी और वो भी। अभी वो सैलरी कम से कम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। कभी भी उस लड़का में ईगो नहीं आया है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं। किसी को मतलब होता है कि इज्जत नहीं करना, काफ़ी इज्जत करता हर लोग का। और ऐसा कभी नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो हम मतलब रईस का जैसा, कभी भी उनको देखिएगा कभी भी गमछा लेकर रहेंगे, और सिंपल साधारण वो रहने वाला व्यक्ति है। पैसा आने के बाद उनके पास कोई नहीं है कि ऐसा कि उनको गुमान हो गया कि मेरे पास बहुत पैसा, इज्जत नहीं करना लोगों को, ऐसा उनमें कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा ये, और सावित्री दी भी बहुत अच्छी है, बात करती है तो बहुत अच्छी बात करती है, और दिल का साफ है, जो कहना रहेगा मुंह पे कहेगी। आपको अच्छा लगे चाहे ख़राब लगे, लेकिन ख़राब तो कभी नहीं बोलने वाली हो, और डांसर सनातन भाई भी कभी ख़राब नहीं बोलता, जो भी सजेस्ट करेगा अच्छा ही सजेस्ट करते हैं दोनों मिलके। जो कि सावित्री दी का अब तो शादी हो गया, जो कि मुंबई में अब रहने वाली है वो, जो कि काफ़ी डांसर सनातन भाई रोने लगे थे शादी के बाद, और हम गए थे और फुल फैमिली भी गए थे हम लोग साथ में उनके घर, और कैमरा का काम हम ही किए थे उनका, डांसर सनातन भाई का बहन का शादी में, जो कि लिलोरी स्थान में इनका शादी हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा था काम कर कर। और हम लोग आए उसके बाद घर, घर आने के बाद तो वहाँ से रिटर्निंग बलियापुर से हम धनबाद आए थे, मेरा बज गया था 12:01, और काफ़ी अच्छा लगा। खाए हुए वहाँ पे, उसके खाने होने के बाद लिलोरी स्थान में, उसके बाद वहाँ से निकले सनातन भाई के घर में। घर घर में जाने के बाद उनके बहन को होटल वोटल दिलवाने के बाद, उसके बाद हम अपना घर पहुंच गए। फ्रेंड जस्ट आपको मेरा जानकारी कैसा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और लव फिल्म्स में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। और हमारा जानकारी कैसा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपका जानकारी सही है। आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कमेंट में आप डांसर सनातन भाई को कैसे जानते हैं, तो अब पता चल गया होगा आपको वीडियो देख के थंबनेल देख के कि कैसे जानते हैं। साथ में ही स्कूल में हम लोग पढ़े हैं और साथ में ही खेलते थे फ्रेंड। और लव फिल ब्लॉग को ज़्यादा सपोर्ट कर फ्रेंड, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बेल आइकन बटन दबाएं, आपका कुछ नहीं जाएगा, एक कमेंट एक सब्सक्राइब और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए जितने सारे लोग हैं। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं आप लोग को, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक गरीब का बेटा का सपोर्ट करें ये कहना चाहता हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी के बज रहे 5, जो कि अभी 5 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नींद आता है लेकिन नींद से सो नहीं पाता हूँ, मतलब आँख गड़ता फिर भी। प्लीज़ लव फील ब्लॉग को ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।